हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं। चलिए आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस पर। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, बीच बीच में मैं आपको कोशिश करूंगा थ्योरी रिवाइज कराता चला जाऊंगा, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाए। जैसे ही थ्योरी मिले जो आप भूल गए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे पक्का भूल जाते हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं वो चीजों को आपको रिवाइज कराऊं, तो बस आप उस टाइम नोट डाउन कर लीजिए, है ना। लेट के वीडियो मत देखिए। अगर आपने टेस्ट देखे, अगर ये क्वेश्चंस की वीडियोस देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं लगातार, नहीं तो बेटा पॉज करें स्क्रीन को, क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसको आप फटाफट से एक बार खुद भी अटेम्प्ट करें और फिर देखें, है ना। बढ़िया करके मतलब आप नोट्स बना लेंगे जो जो मैं थ्योरी रिवाइज करता हूं, और जो जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप भूल जाते हैं, कोशिश ये करेंगे कि वो आप जरूर दिमाग में रखें। बेटा अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हैं, भले आप नीट की तैयारी करें, भले आईआईटी की, तो अगर आप जो टॉपिक्स भूल जाते हैं उनको पहले रिवाइज करिए, कोशिश करिए। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो दिमाग में नहीं रहते हैं, अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या नीट के, तो रिजॉल्विंग पार, है ना, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हम भूल जाते हैं, तो वो रिवाइज करें। कुछ पर्टिकुलर चीजें ही हैं जो हम भूल जाते हैं, है ना, वेव्स के फॉर्मूले थोड़ा सा दिमाग से निकल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे उनको फटाफट रिवाइज करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैकेनिक्स के याद रहते हैं, तो ऐसे ध्यान रखें चीजों को, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलिए, आप बड़े आराम से आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम आज का। बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फटाफट से आइए रिवाइज करते हैं। बेटा सबसे पहली चीज, है ना, सबसे पहले तो माना जा रहा था कि भाई वेव है लाइट, है ना, और 1980 में जब ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लिनार्ड और हवॉश, है ना, तो बेटा पता समझ में आता है कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, है ना। और फिर न्यूटन 2.0 द्वारा जन्म लेके आइंस्टाइन बनके एक्सप्लेन करते हैं 1904 में, जिसको मिरेकुलस ईयर के नाम से जाना जाता है, है ना। उसमें उन्होंने तीन बड़े काम किए थे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिस पे हमारे जीपीएस सिस्टम्स बेस्ड हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स, है ना, और तीसरा था ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया, जिससे उन्होंने मोलर स्पेसिफिक हीट्स को गैस के रिलेट किया विद देयर स्ट्रक्चर्स, है ना। तो बेटा सबसे पहली चीज, बेटा जो एक्सपेक्टेड क्या था वेव थ्योरी से, बेटा वेव के अकॉर्डिंग तो हम धूप में खड़े होते हैं, एनर्जी आती है, हम हल्के हल्के अब्जॉर्ब करते हैं, और बेटा जब हल्के हल्के शरीर गर्म होता है तो बेटा हल्के हल्के एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा मेटल, और जब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, श्रृंगी सर डांटते हैं, वो कहते हैं कि आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए हम डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना, जस्ट लाइक पॉपकॉर्न, है ना, मतलब पक 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 चालू हो जाएंगे, लेकिन पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी इकट्ठे होने में समय लगेगा, तो कुछ टाइम लैग आएगा। मान लो, है ना, कोई मेटल में कोई एटम है जिसका एरिया ए है और इंटेंसिटी आई फॉल कर रही है, 1 सेकंड पे वन एरिया पे जो एनर्जी आती है उसको आई बोलते हैं, 1 सेकंड पे वन एरिया पे जो एनर्जी आती है उसको आई बोलते हैं इंटेंसिटी। तो आई ए, है ना, 1 सेकंड में एक एरिया पे आई आती है, ए एरिया पे 1 सेकंड में आई आएगी, इंटू टी, टी सेकंड में आई ए टी आएगी, और जब ये वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएंगे। टी कम होगा, टी कब कम कब होगा, जब आई ज्यादा होगा, जब आई तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि आई ए टी कॉन्स्टेंट है, फाई ए तो कॉन्स्टेंट है ही, तो अगर आई ज्यादा होगा टाइम कम लगेगा, आई कम होगा डिम लाइट होगी, फीकी लाइट होगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, तो टाइम लैग ज्यादा होगा व्हेन आई इज लेस, फाई अपॉन आई ए, है ना, आई कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, फाई ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, झंड हो गई वेव थ्योरी की, है ना। और ये कह रहा था काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इंटेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ई ज्यादा होगी, आई ज्यादा है मतलब ई ज्यादा है, ई ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा 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 एनर्जी से निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। अब इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन में कहीं फ्रीक्वेंसी आ नहीं रहा है, तो ये कह रहा था काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या कह रहा था, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी, और मतलब या इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, है ना। तो और कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, जब एनर्जी एक्यूमुलेट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, लेकिन एक लिमिटिंग थ्रेशोल्ड से कम पे तो निकलते ही नहीं जो हम जानते हैं, तो इसका मतलब ये सारी की सारी बातें क्या निकल के आई, गलत, है ना। अब हम पढ़ेंगे सही क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
ये सारी बातों को किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने। पार्टिकल नेचर से समझ में आता है कुछ टाइम लैग होना ही नहीं चाहिए, फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर, फोटोन आया इलेक्ट्रॉन बाहर तुरंत। कैसे तुरंत? ऐसा कब हो पाएगा? पार्टिकल नेचर। क्या बता रहा है? पार्टिकल नेचर। एक ही फोटोन मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, पार्टिकल नेचर है ना। तो पार्टिकल नेचर से हमको यही अंदाजा मिलता है कि खट से निकल जाएगा, और अगर एक लिमिट से कम एनर्जी होगी तो क्या होगा, वो एनर्जी फाइनली कोलिजन में तुरंत से वेस्ट हो जाएगी, है ना, और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाए, वो वापस वैसी की वैसी ही स्टेट पे आ जाएगा, कोलिजन में एनर्जी लूज हो जाएगी। तो बेटा जब एक लिमिट से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा तभी निकाल पाएगा, है ना। अगर एक लिमिट से कम एनर्जी का आया तो वो एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, है ना, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनली वो रेडिएशन से सराउंडिंग को ही लूज हो जाएगी। लेकिन बस मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक लिमिट से ज़्यादा एनर्जी का आएगा तो ही बाहर निकालने में सक्षम होगा, नहीं तो क्या होगा, उसको हिला डुला के खाली गर्म ही करेगा उसको, है ना, निकाल नहीं पाएगा, है ना। तो बेटा एक तो हो गया टाइम लैग नहीं होगा। कैसे पता लगा? पार्टिकल नेचर से थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए। इंटेंसिटी, बेटा सोचो ज्यादा फोटॉन्स है, इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं, मास बढ़ाने के क्लास के दो तरीके हैं, सबको ज्यादा खिलाओ वजन बढ़ा दो, है ना, या नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा ले आओ, है ना। तो बेटा इंटेंसिटी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी वही ले रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा भी दूंगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ भी जाएंगे, पर एक को जो लात मारनी है वो एक नहीं मारनी है, तो जितनी तेज लात मारेगा उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। तो इंटेंसिटी पे तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी, इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी, है ना, और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा ज्यादा तेज आएगा, ज्यादा तेज बाहर, ज्यादा तेज आएगा, ज्यादा तेज बाहर। सारी बातें किससे समझाई? पार्टिकल नेचर ने। तो आइंस्टाइन साहब ने बताया कि जब लाइट लाइट के साथ इंटरैक्ट करेगी तो वेव की तरह बिहेव करेगी, और सरफेस के साथ इंटरैक्ट करेगी तो कैसे बिहेव करेगी? पार्टिकल की तरह करेगी। जब सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती है पार्टिकल, जब ट्रेवल करती है, जब लाइट लाइट से मिलती है तो कैसे बिहेव करती है? वेव की तरह, है ना। तो ये आइंस्टाइन ने समझाया पार्टिकल नेचर, है ना। अब इसमें हमको कुछ ग्राफ्स पढ़ने हैं और एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिस पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो पढ़ लेंगे। थैंक यू। आइए मैथमेटिकल इक्वेशंस देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशंस बेटा क्या है? बेटा के एच एन यू माइनस फाइ के मैक्स, बेटा एच एन यू एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइ मिनिमम कटौती, क्योंकि बेटा देखो आ तो बेटा आप सोच रहे हो फोटोन्स ऐसे आ रहे, इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे निकल जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, देखो समझ में, फोटोन ने टकराया एटम के पेट से, टकराया बाहर नहीं आया, आया ना। तो बेटा बेटा मेटल भी फोर्स लगा रहा है ऊपर को, इसीलिए ऊपर जा पा रहा है, मेटल भी फोर्स लगा रहा है ऊपर इसीलिए ऊपर को जा पा रहा है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा मेरी बात को। एच न्यू मैंने एनर्जी दी, फाइव मिनिमम खर्चा है, फाइव है मिनिमम एनर्जी लॉस। अगर मान लो अगर दो एटम्स के बीच में निकल गया, ज्यादा कोलिजन करके निकलेगा, ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी, फाई से ज्यादा खर्च हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी तो आएगी लेकिन मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम तब जब जस्ट ऊपर से ही आ जाए, जब मिनिमम एनर्जी लॉस होकर आ जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और बेटा अगर मैक्सिमम वाले को रोक दिया, अगर फोटो करेंट जीरो करना है तो सबको रोक दिया। अगर मान लो ये है एमिटर, ये है कलेक्टर, एमिटर को बोलते हैं कैथोड, है ना, और इसको बोलते हैं एनोड। आप समझ लो सीसी साथ में नहीं लिखना, बस सिंपल सी बात हो, एनोड और ये कैथोड, है ना, याद रखने के लिए सिंपल है। अब बेटा रोकने के लिए अगर मान लो मैंने कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना है, मैक्सिमम वाले को रोक दिया तो सबको रोक दिया, माइनस वन चार्ज यहां से यहां ले जाने के लिए वी एस एनर्जी चाहिए, माइनस वन के लिए वी एस चाहिए, है ना। तो ई के लिए क्या चाहिए होगी बेटा? ई वी एस क्या चाहिए होगी? ई वी एस कितनी एनर्जी चाहिए होगी बेटा? ई वी एस वन चार्ज के लिए, माइनस वन के लिए वी एस चाहिए, तो के मैक्स के लिए बेटा मतलब सॉरी ई चार्ज के लिए ई वी एस चाहिए, माइनस वन चार्ज के लिए वी एस एनर्जी चाहिए, तो ई चार्ज के लिए ई वी एस। तो के मैक्स जब ई वी एस हो गया तो जस्ट के मैक्स वाला पहुंच पा रहा है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? वी एस प्लस पॉइंट जीरो 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 वन, तो वी एस ही कह देंगे, है ना। तो बेटा यहां से हमारे पास आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या आ जाएगा बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेटा हमारे पास एक इक्वेशन, और इसी से के मैक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक और इक्वेशन आ जाएगी, है ना, क्या आ जाएगी? एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ई वी एस। पर बेटा ज्यादातर क्वेश्चन में ना आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होते हैं, तो जूल्स में कन्वर्ट करोगे आप उनको, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इनटू ई इक्वल टू ई वी एस जब करोगे तो ई कट जाता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एच न्यू माइनस फाइव को डायरेक्टली वी एस लिख देंगे, क्या लिख देंगे? डायरेक्टली वी एस लिख देंगे, ठीक है। अब बेटा यही दो, अब मेरे को ग्राफ बनाने हैं, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी और वी एस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और
एच न्यू को एच सी बाय लैम्डा रख देंगे, तो के मैक्स वर्सेज 1 बाय लैम्डा और वी एस वर्सेज 1 बाय लैम्डा, ये चार ग्राफ्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हैं चार ग्राफ्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे बेटा। ये चार ग्राफ्स हैं जो सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसकी इक्वेशंस है बेटा? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, के मैक्स वर्सेज फ्रीक्वेंसी, एच न्यू माइनस फाइ एस के मैक्स। हम लोग सब लोग जानते हैं एच न्यू को ही मैं एच सी बाय लैम्डा कह सकता हूँ, के मैक्स इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइ, और के मैक्स होता है ई वी एस, यहीं से वी एस निकालूंगा तो एच बाय ई, वी एस क्या एच बाय ई माइनस फाइ बाय ई, है ना, एच न्यू बाय ई माइनस फाइ बाय ई, ये वी एस आ जाएगा। और यहां पर इसको ई वी एस लिख के वी एस निकालूंगा तो एच सी बाय ई लैम्डा माइनस फाइ बाय ई। तो बेटा सिंपल ग्राफ्स हैं के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी के, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसके बाद है ना काइनेटिक एनर्जी आनी स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू होंगे, ठीक है। यहाँ पर स्लोप टेन थीटा एच है, यहाँ पर स्लोप टेन थीटा एच बाय ई है, यहाँ पे एच सी है क्योंकि वन बाय लेमडा है, एक्स कोऑर्डिनेट एच सी है, और यहाँ पे एच सी बाय ई। बेटा देखो एच ये स्लोप क्या है, मिनिमम, ये क्या है मिनिमम, एच सी ज्यादा है, एच बाय ई और ज्यादा है, क्यों, क्योंकि नीचे 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10 की पावर 19, ठीक है। और ये जो है ये क्या है एच सी वाई, ये सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि सी से भी मल्टीप्लाई हुआ है और ई से डिवाइड भी, ऊपर 10 की पावर 8 भी है, नीचे 10 की पावर माइनस 19 भी है ना। काफी सिंपल ग्राफ्स है, मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा बहुत आराम से बना सकता है, बहुत ही सिंपल ग्राफ्स है ना। तो के मैक्स वर्सेस कोई भी अगर आपको ग्राफ बनाना है, आप केवल और केवल एक ही बात सोचनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइ, ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बेटा मैक्सिमम तो तभी मिलेगी जब मिनिमम खर्चा आएगा, जब मिनिमम खर्चा आएगा तो ही तो मैक्सिमम मिलेगी बेटा, अरे आया कि नहीं आया, है ना। तो बेटा ये चार ग्राफ्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं आपको वो पिछली रिकॉर्डिंग बताना भूल गया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाएंगे या निकलेंगे और रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, निकलेंगे और रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, है ना। तो बेटा एट स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट आर रीअब्सॉर्ब, ये चारों ग्राफ्स आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना। वैसे ये बहुत सिंपल है लेकिन कभी कभी जब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि किसकी स्लोप मैक्सिमम है, एक लाइन लगती है लिख के देखने पर, पता नहीं कभी कभी कंफ्यूजन होती है, तो आप ध्यान से सोच लेंगे कि क्या मतलब कैसे सोचना है, ये आपको बहुत सिंपल है, आप आराम से सोच सकते हैं। थैंक यू। देखिए अगला लास्ट हमको दो ग्राफ्स और बनाने होते हैं, आइए फटाफट से देखते हैं। बेटा फोटो करंट का ग्राफ बनाना है पोटेंशियल के साथ, ठीक है बेटा। अगर देखो बेटा हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कोई फोटो करंट नहीं आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया तो कोई, ये रिजल्ट है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे बन सकता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर बेटा मैंने लगा दिया तो कोई फोटो करंट नहीं आएगा। बेटा मैं आपको याद दिला देता हूँ, बेटा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी क्या क्या हो सकती है, जीरो से लेके के मैक्स तक कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेके के मैक्स तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि फाई है मिनिमम कटौती, दो कोलिजन होके निकलेगा ज्यादा खर्च हो सकती है, तीन कोलिजन लेके निकलेगा और ज्यादा खर्च हो सकती है, नीचे लेयर से ज्यादा कोलिजन करके आएगा और ज्यादा खर्च हो सकती है। तो जीरो से लेके के मैक्स तक कुछ भी एनर्जी हो सकती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब के मैक्स 90% ऑफ के मैक्स, 80% ऑफ के मैक्स, 70% ऑफ के मैक्स, 50% ऑफ के मैक्स, 40, 30, 20, 10, है ना, और जस्ट जीरो भी हो सकती है, तो कुछ भी एनर्जी पॉसिबल है। तो अगर बेटा मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया तो सब रुक गए, पर सोचो मैंने 90% ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया तो जो 90 to 100 के रेंज में थे वो तो पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास, तो कुछ तो फोटो करंट आ जाएगा, है ना। और बेटा सोचो मैंने 80% लगाया तो क्या होगा, जिनके पास 80% से 100% तक की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो तो पहुंच जाएंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे। 50% लगाया तो सोच के देखो बेटा, अब 50% से मैक्सिमम से 50% ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा वाले तो और ज्यादा होंगे, है ना, तो वो भी पहुंच जाएंगे। अब मैंने अगर मान लो जीरो कर दिया इसको, मैंने कुछ लगाया ही नहीं, है ना, मैंने जस्ट वायर कनेक्ट कर दी, तो बेटा जिनकी भी वेलोसिटी उस तरफ है वो पहुंच जाएंगे। हाँ, जो टेढ़े मेढ़े निकलेंगे वो तो नहीं पहुंचेंगे, मैंने आपको बताया था ये चला गया ऊपर, लेकिन अगर कोई कोने पे टकराया और ऐसे चला गया तो जो टेढ़े जाएंगे वो तो नहीं पहुंच सकते। हाँ, अब मैं कुछ अगर पॉजिटिव लगा दूंगा तो बेटा फिर क्या होगा, मैं आपको कह रहा हूँ अब फोटो करेंट कुछ बढ़ गया, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब कुछ पॉजिटिव लगा तो जो हल्के हल्के इधर जाएंगे वो अट्रैक्ट होके आ जाएंगे तो कुछ और बढ़ जाएगा, है ना। अब मैंने और पॉजिटिव लगा दिया, मैंने पॉजिटिव और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा कि जो और तेज निकले होंगे वो भी पहुंच जाएंगे,
एक टाइम आएगा बढ़ बढ़ के सारे पहुंच गए, अब उसके बाद आप जितना मर्जी बढ़ा लो तो और तो पहुंचेंगे नहीं, है ना। इसको हम बोलेंगे सेचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे? सेचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे बेटा? सेचुरेशन करंट, है ना। ये तो अब चेंज होगा नहीं, चीनी घोल दी ना, सेचुरेशन आ गया और नहीं घुल रही है ना। AgCl डाल दिया ना, पहले गया टूट गया जाके, है ना, गया टूट गया, लेकिन अब KSP आ गया, अब तो और नहीं टूटेगा, है ना। तो बेटा एक लिमिट के बाद फूटने बंद हो जाएंगे, एक लिमिट के बाद फूटने बंद हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो बस बेटा मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, ये सिचुएशन आ जाएगा। लेकिन अगर सोचो मैं वही फ्रीक्वेंसी लूं, है ना, लेकिन इंटेंसिटी डबल कर दूं, तो सोचो आपको लग नहीं रहा है कि अब दुगने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो हमेशा फोटो करेंट क्या रहेगा? डबल रहेगा। क्या रहेगा बेटा? फ्रीक्वेंसी वही है, इंटेंसिटी डबल, एनर्जी डबल कर दी, तो इसका मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल आएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल निकलेंगे। क्लियर हो गई ये बात, है ना। अगला ग्राफ, अगले बेटा कैसे ग्राफ बनेगा? अब ये इसके बाद जो बेटा हमको बताना है वो क्या है? अब हम इंटेंसिटी, बेटा देखो इंटेंसिटी चेंज करने के मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, या तो है ना क्लास का मास बढ़ाना है तो हर एक बच्चे का मास बढ़ा दो, है ना, या नंबर ऑफ बच्चे बढ़ा दो। तो अभी मैंने नंबर ऑफ बच्चे बढ़ा के इंटेंसिटी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा के, है ना। तो बेटा अब इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी वही थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है। अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा बेटा? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से अगर मान लो कि मैंने मान लो हर एक फोटोन की एनर्जी को डबल कर दिया और टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स वही है तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। हर एक बच्चे का मास डबल कर दिया तो क्लास का मास डबल हो जाएगा। एनर्जी टोटल डबल करने के लिए हर एक की फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को डबल कर दिया, अगर फ्रीक्वेंसी डबल तो हर एक फोटोन की एनर्जी डबल, उतने ही फोटॉन्स आएंगे पर एनर्जी डबल आएंगे, इंटेंसिटी डबल हो जाएंगी, कीपिंग द नंबर ऑफ फोटोन सेम, कीपिंग द नंबर ऑफ फोटॉन सेम, पर फोटॉन सेम होंगे तो फोटो करंट अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। फोटो करंट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि बेटा फोटॉन्स पर डिपेंड करता है फोटो करंट, है ना। तो अगर फोटॉन सेम तो फोटो करंट सेम, फोटॉन सेम तो फोटो करंट सेम। पर अगर मेरे को कोई कहता है कि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, सॉरी अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी इंटेंसिटी डबल कर रहा हूँ बाय डबलिंग दी फ्रीक्वेंसी, बाय डबलिंग दी फ्रीक्वेंसी, तो फोटॉन फोटो करंट सेम रह रहे हैं फोटो करंट। लेकिन अगर पहले जीरो था, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कर दी, तो बेटा पहले जीरो था, अब कुछ आ जाएगा। और अगर डायरेक्टली फोटो करंट कहते तो इसका मतलब था सेचुरेशन फोटो करंट, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट, ठीक है बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, मतलब अगले ग्राफ के साथ बेटा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डबल करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो डबल एनर्जी आ रही, रोकने के लिए डबल एनर्जी लगानी पड़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो जाएगा, है ना। ये बहुत शानदार तरीके से पहले भी मैं आपको गलत कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, है ना। तो सही क्या होगा? एच न्यू मैंने एनर्जी दी, फाई खर्च हो गई, ये के मैक्स है, है ना। टू एच न्यू दी, है ना, फाई खर्च हो गई, अब क्या हो जाएगी? के मैक्स जो पहले वाली थी अभी इतनी तो और आ गई, प्लस साथ में भी आ गई, डबल से ज्यादा हो जाएगी। डबल से मान लो 30 रुपीज गवर्नमेंट टैक्स रहती 30%, है ना, सॉरी 30 रुपीज लेती कॉन्स्टेंट। मैं पहले 100 कमाता था घर पे, 70 ले जाता था, अब मैं 200 कमा रहा हूँ मान लो और 30 टैक्स कटेगा तो मैं 170 लेके जाऊंगा, 70 से डबल से ज्यादा, है ना, जो पहले लेके जा रहा था उससे ज्यादा। तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से ज्यादा हो जाएगा। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, एच न्यू माइनस फाइव, दिस इज के मैक्स, 2H new माइनस फाइव, है ना, ये आ गया आपके मैक्स, पहले वाले के मैक्स का डबल से ज्यादा। क्लियर है बात? तो अगर काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा हो गई तो उसको लगाने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डबल से ज्यादा। अब मान लो कि कोई मेरे को कहता है कि ग्राफ बनाओ, है ना, एक बार इंटेंसिटी आए है और फ्रीक्वेंसी एफ है, अब इंटेंसिटी 2i कर रहे हैं, 2i कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को भी 2f कर रहे हैं, तो पहली बात नंबर ऑफ फोटॉन्स वही है बेटा, टोटल एनर्जी अपॉन एक की एनर्जी, है ना, i अपॉन hf, 2i अपॉन 2hf, आई विल गेट द सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स सेम आ रहे हैं, फोटो करंट सेम आएगा बस। लेकिन यहां पे अगर पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 था, अब क्या आएगा? Vs2 आएगा, which will be greater than twice of Vs1। ये ग्राफ बनेगा बिल्कुल as it is, इंटेंसिटी डबल है और फ्रीक्वेंसी भी
डबल है, आप ऐसे सोच सकते हैं एच न्यू माइनस फाइव ये होता है के मैक्स। अब बेटा टू एच न्यू माइनस फाइव ये है के मैक्स, है ना, नया वाला के डैश कह देता हूं। इसमें मैं माइनस फाइव प्लस फाइव कर सकता हूं तो व्हाट विल आई गेट, के डैश इज इक्वल्स टू टू एच न्यू माइनस टू फाइव, ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ के प्लस फाइव, डबल से ज्यादा, डबल से ज्यादा, है ना, माइनस फाइव प्लस फाइव के टू एच न्यू माइनस टू फाइव, तो ट्वाइस ऑफ एच न्यू माइनस फाइव, ट्वाइस ऑफ के प्लस फाइव। आ गया समझ में बेटा, ये हो गया के डैश के बारे में, ये किसके बारे में हो गया, के डैश के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा हो गई है। और अगर बेटा कोई मेरे से कहेगा कि हमने इंटेंसिटी वही रखी, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो बेटा अगर इन एनर्जी वही आ रही है, आपने एक एक फोटोन की एनर्जी डबल कर दी, एनर्जी वही आ रही है, वन एरिया पे वन सेकेंड पे आई एनर्जी आ रही है, तो ए एरिया पे आई ए आ रही है, आई ए अपॉन एच एफ, पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स ये थे, अब क्या हो जाएगा आई ए अपॉन टू एच एफ। अब बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स हाफ कर दिए, फोटो करेंट अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगा, फोटो करेंट क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है, तो फोटो करेंट क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। तो बेटा अगर इसके लिए कोई कहेगा ग्राफ बनाओ, सपोज करो इसी का, तो बेटा फिर कैसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा फोटो करेंट पोटेंशियल, बेटा ये आएगा पहले, है ना, और बाद में क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से ज्यादा हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले आई थी आई, अब उसका हाफ आई, आई बाय टू। ठीक है, क्लियर बनाऊं, थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं दोबारा से, ये यहीं पे बना देता हूं, ये डबल एफ और आई इंटेंसिटी, इसमें एफ था इंटेंसिटी, आई था टू एफ टू आई, नंबर ऑफ फोटोन सेम थे, फोटो करेंट हुई। अब बेटा फोटो करेंट हाफ हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का अगला यूनिट, बोहर्स मॉडल। ठीक है बेटा, देखो इसमें हमको क्या पढ़ना है, देखो एक्चुअली तो मेरे को बोहर्स का मॉडल पढ़ना है, लेकिन मेरे को आपको ये बताना है कि दुनिया मतलब कैसे स्टार्ट कैसे हुआ था, मतलब इसके बारे में सोचना। देखो दुनिया में जो लोग थे उनमें क्यूरियोसिटी थी, जानना चाहते थे दुनिया किस चीज से बनी है। तो राजा थे, उन्होंने क्या किया, है ना, मतलब एक राजा थे, उन्होंने बेसिकली, राजा का नाम था सुमोन, क्या नाम था राजा का, सुमोन, और अगर जे आर बैच तो राजा का नाम था जीजीपी या मोटा दीपक, है ना। तो जो राजा थे उन्होंने अनाउंस किया कि अगर मेरे को कोई बताएगा कि दुनिया किस चीज से बनी है, है ना, और अगर मेरे को कोई सही आंसर देगा इस चीज का कि दुनिया किस चीज से बनी है, तो मैं उसको इनाम दूंगा, इनाम में उसको मैं अपनी पुरानी चड्डी दूंगा। तो अब क्या हुआ, लोगों ने मतलब ट्राई करना स्टार्ट किया कि मतलब गेस करना स्टार्ट किया दुनिया किस चीज से बनी है। तो लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, जैसे अगर मान लो कोई चीज है उसको काटेंगे और काटेंगे और काटेंगे और काटेंगे, टाइम का कट नहीं पाएगा, छोटा सा बचेगा, तो उसके रेपुटेशन से दुनिया बनी है। तो एक आता है कहता है कि, है ना, मतलब एक आता है मतलब सिंपल सा आदमी हिमांशु आता है और कहता है, राजा जी दुनिया जो है वो एक छोटे से अणु के रेपुटेशन से बनी है, है ना, दुनिया जो है वो एक छोटे से अणु के रेपुटेशन से बनी है, पूरी की पूरी दुनिया। तो राजा उस टाइम सेब खा रहे थे, कहते हैं मान लो ये तुम्हारा अणु है, तो वो कहते हैं ठीक है, तो वो चाकू लेते हैं उसको भी काट देते हैं, कहते हैं ये भी दो चीजों से मिलके बना है, मेरे को वो बताना है, वो छोटी सी चीज जिससे मिलके दुनिया बनी है, एंड आई विल मेक यू अमीर, है ना, विद माय पुरानी चड्डी, यू कैन ओपन अ टेंट हाउस विद दैट। तो अब क्या होता है कि फाइनली मतलब वो बता नहीं पाते, उनकी झंड हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, उस टाइम बहुत फैशन था, है ना, और 2000 साल तक आत्मा गॉड भटकिंग भटकिंग भटकिंग, है ना, और 2000 साल बाद दिखती है उसकी आत्मा कि बॉयल साहब ने गैस को दबाया, वो कॉम्प्रेस हो गई, लेकिन एक लिमिट के बाद कॉम्प्रेस नहीं हो पाई, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बीच में, खाली स्पेस है, एक लिमिट के बाद नहीं दब रहा है। देखा कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो कुछ एक कांस्टेंट रेशियो में हो रही है, बेसिकली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये सब चीजें डेवलप हो रही थी। उससे उनको दिमाग में आइडिया लगा, यार कुछ नंबर्स की फॉर्म में, मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं। तो इस बार फिर से वो दोबारा जन्म लेते हैं, है ना, और उनका नाम इस बार होता है डाल्टन, और वो कहते हैं देखो दुनिया वालों, दुनिया जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है और उसे काटा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार काट दिया गया था। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये समझ में आया कि डाल्टन साहब आए, उन्होंने बेसिकली मतलब एटम के लिए
मतलब जो बातें बताई थी ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, CIDSI है ना, उन्होंने बोला कि जो स्मॉलेस्ट एंटिटी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो एटम है ना। बेसिकली एटम उनके सामने प्रकट हुआ और बोले कि हमें सीआईडी में ले लो, तो वो कहते कि ठीक है लेकिन सी का मतलब क्या है, तो कहते केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना, तो वो कहते कि बताओ फिर तुम केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करोगे, वो कहते मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मेरे अलावा केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दैट इज स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट टेक्स पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन इज एटम, ऐसा डाल्टन ने बताया, हालांकि ये गलत था है ना। फिर उन्होंने बताया कि ये आइडेंटिकल होते हैं, जैसे मान लो ये आयरन की बॉटल है ना, इसका हर एक एटम जो होगा एक दूसरे से आइडेंटिकल होगा विद रिस्पेक्ट टू मास, विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो डिफरेंट होंगे। अगर एक आयरन है और एक मान लो कोई एल्यूमिनियम है, तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे, इनके जो एटम्स होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू मास एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्मॉल, तो उन्होंने एटम को बोला कि तुम होना चाहते हो तो तुमको स्मॉल होना पड़ेगा, वो कहता मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं, मेरे से स्मॉल एंटिटी आपको नहीं मिलेगी है ना। हालांकि पता लग गया था क्योंकि उससे छोटे होते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और वैसे ही केमिकल रिएक्शन में भी जो सबसे छोटी एंटिटी पार्टिसिपेट करती है दैट इज इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन होती है Na++, इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, और इनडिविजिबल, पर वो तो डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो सारी बातें, पांचों की पांचों बातें क्या निकल गई थी, गलत निकल गई थी, तो डाल्टन की झंड हो गई थी है ना। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद सब लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, थॉमसन साहब आते हैं अपना प्लम पुडिंग मॉडल लेके, वो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज का एक है ना गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है ना। बेसिकली कोई भी थ्योरी कब मान लेंगे, तीन ही तो चीज़ें थी जो मानी जाती थी, तीन ही चीज़ें थी जो एक्सप्लेन करनी थी। अगर हमारे गिवन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे, जो गिवन आउटकम्स आए थे रिजल्ट से, अगर उनको आप एक्सप्लेन कर दोगे तो हम थ्योरी मान लेंगे। तो बेसिकली वो तीन थ्योरीज थी क्या क्या जो एग्जिस्ट करती थी, वो तीन थ्योरीज थी, एक तो बेटा आयंस का फॉर्मेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कैथोड रेज हमने डाली थी याद है ना, कि बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था तो कैथोड से है ना, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन की रेज निकली थी जो है ना गोल्ड फॉयल से मोस्टली सीधी निकल गई थी है ना, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो उन्होंने थॉमसन साहब ने कहा कि ये अगर देखो फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन को लात मार के निकाल देगा है ना, गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थर्मायनिक एमिशन भी था उस टाइम पे, तो गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी और वो निकल जाएंगे। पर ये कैथोड रेस को नहीं समझा पाए, क्योंकि अगर ऐसे एटम्स होंगे तो बीच में जगह बहुत सारी खाली बचती ही नहीं है ना, तो इनकी भी झंड हो गई। उसके बाद आते लिनार्ड, लिनार्ड बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स, दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जो दो तरीके के पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव है, बन गया बीच में बॉन्ड, बन गया बीच में बॉन्ड, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दो चीजें, बीच में नेगेटिव आ गया, बीच में बन गया बॉन्ड। तो उन्होंने कहा कि एटम ऐसा बड़ा सा नहीं है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उन्होंने, लोगों ने कहा कि तुम्हारी बात तो अच्छी लग रही है, हालांकि इन्होंने पहली बार बताया, इनकी झंड तो हो गई क्योंकि इनके एटम में तो खाली जगह और भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने दुनिया को पहली बार बताया दो पॉजिटिव चीजें साथ में कैसे रह सकती हैं, दो पॉजिटिव चीज के बीच में एक नेगेटिव, दो कुत्तों ने एक हड्डी पकड़ रखी है, बना हुआ है बॉन्ड। तो इन्होंने बेसिकली न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के लिए भी सोचने के लिए लोगों को एक माइंड सेट दिया, एक थॉट दी कि अगर दो पॉजिटिव साथ में रहें तो कुछ ना कुछ बीच में होना चाहिए जिसको वो पकड़े बैठे हैं, और फाइनली वो साथ साथ रह पा रहे हैं। और उसके बाद क्या था, उसके बाद है ना रदरफोर्ड आते हैं अपनी किस्मत आजमाने, रदरफोर्ड आते हैं अपनी किस्मत आजमाने, और वो कहते हैं कि मतलब बेसिकली उनके दो स्टूडेंट्स होते हैं गीजर और मैजडन, जो गोल्ड फॉयल पे, गोल्ड फॉयल जानते ना जैसे चांदी का वर्क होता है, वैसे ही ना सोने का भी वर्क होता है ना, जैसे चांदी का वर्क मिठाइयों पे होता है। हालांकि हमने एक बार पूछा स्टूडेंट से कि सोने का वर्क देखा है, तो वो बोला, एक स्टूडेंट बोला हाँ हमारे वहाँ नलके पे लगाया जाता है, तो हमने उसको समझाया बेटा हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब गोल्ड फॉयल से करते हैं, गोल्ड इसलिए नहीं कि वो अमीरी दिखा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत थिन शीट्स में आ सकता है, बहुत मेलिएबल होता है ना, तो उससे उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल मोस्टली स्ट्रेट चले गए है ना। तो ये 5 साल तक गीजर और मैजनन क्या करते रहे, अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉयल पर निशाना मारते रहे, ठुल्लू गए के खाली लोग है ना। हालांकि बहुत ही प्रिसाइस एक्सपेरिमेंट करना था, इसके आउटकम बहुत प्रिसाइसली निकालने थे, तो ये समझ में आया कि है ना, मतलब गीजर और मैजडन ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे है ना,
तो हुआ क्या कि सारे 10,000 में से लगभग 9981 सीधे चले गए, 18 बहुत छोटे छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ और एक वापस आया। अगर एक वापस आया, बड़ी अजीब बात थी, भारी चीज गई और वापस कैसे आ गई, तो बेटा सोच सकते हो अगर बॉल मारो ट्रक पे तो वापस आती, मतलब उसके कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल कंपैरिजन में बहुत सारा मास और एक ही जगह पे है, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रेट चले गए, वो सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव को ही पॉजिटिव वापस भेज सकता है, तो सारा का सारा चार्ज और सारा का सारा मास एक ही जगह पे है ना। तो उन्होंने बोला कि ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन कैसे रखें ये समझ में नहीं आ रहा था खाली, अब वो कैसे रखें कि स्टेबल फॉर्म में वहीं पे वहीं रहें, तो वहीं के वहीं रहें कैसे रख सकते हैं, तो उनके दिमाग में आया प्लैनेटरी मॉडल, है ना, सन के अराउंड मतलब प्लैनेट्स घूम रहे हैं और मतलब गिर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी घुमा दिए इन्होंने, है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी इन्होंने क्या किए घुमा दिए। लेकिन उस टाइम इनकी झंड नहीं होती, इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि खाली स्पेस भी है बहुत सारा, जैसे प्लैनेटरी मॉडल में बहुत सारा स्पेस होता है खाली, है ना, बीच बीच में थोड़े बहुत ही प्लैनेट्स आते हैं, तो एक्चुअली इन्होंने भी मतलब काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर लिए। लेकिन मतलब इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक भी एक्सप्लेन कर लिया, फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन को लात मारेगा निकल जाएगा, गर्म करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, टक्कर टुक्कर होकर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, है ना, तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर लिया, कैथोड रेस का भी एक्सप्लेन कर लिया। लेकिन हुआ क्या, साइड बाय साइड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी स्टार्ट हो गई, जिसके कारण की वॉट लग गई, है ना। तो इन्होंने जो किया था कैलकुलेशंस के हिसाब से वो बताना चाहता हूँ पहले मैं आपको, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि देखो ये अगर मान लो जेड, अगर प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो और ये इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इन्होंने डिराइव करी ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, उसका टाइम पीरियड, है ना, उसकी एनर्जी। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये सेंटर की तरफ को फोर्स हो गया, इसको कर दिया एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई अंडर रूट के जेड ई स्क्वायर बाय एम आर, है ना, और यहां से इन्होंने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी हाफ एम वी स्क्वायर, वो कितनी आ जाएगी, खट खट आर आर कट जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आ जाएगी, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के जेड ई इंटू माइनस ई माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, है ना, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल माइनस वन प्लस हाफ क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, दैट इज टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और इन्होंने एक निकाल दिया टाइम पीरियड का रिलेशन, कि जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर मारने में समय, 2 पाई आर बाय वी, 2 पाई आर बाय वी, इन्होंने टाइम पीरियड निकाला, वी क्या है 1 बाय रूट आर, तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आर टू दी पावर 3 बाय 2, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। रदरफोर्ड का मॉडल मान तो लिया जाता, लेकिन उसी में साइड बाय साइड क्या डेवलप हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसे स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की पूरी स्टडी दिखा रखी है मैंने, तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, गैस एक चैम्बर में, ग्लास चैम्बर में, यहाँ से हम क्या करते हैं रेडिएशंस फेंकते हैं, इस तरीके के इंसिडेंट रेडिएशंस होते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो होती हैं हर एक की इंटेंसिटी बराबर है, मतलब हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है बराबर आ रही है, है ना। यहाँ पे आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये बताएगा मेरे को याला यहाँ पे कि स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर वन और ये है स्पेक्ट्रोमीटर टू, है ना, जो गायब हो जाएंगी, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन, है ना, यहाँ कुछ गायब वाली मिल गई हमको, ऐसा मिल गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो पहली गायब हुई वो 10.2 थी, दूसरी 12.1 थी, तीसरी 12.7 थी, है ना, और 13.6 के बाद बड़ा अनइवन सा ग्राफ आ गया, है ना, और ये कैसे आया ये अभी मेरे को मालूम नहीं है, ये तो बोहर साहब समझाएंगे अभी आके, है ना, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ हुआ क्या, कुछ गायब हो गई, कुछ लाइंस गायब हो गई, और एमिशन में क्या हुआ, इधर एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जब एक्सेप्ट करेगा एनर्जी, तो जब वो डीएक्साइट होगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा जो हर तरफ जाएगी, पर इधर तो खाली एमिशन वाली ही आएगी, इधर एब्जॉर्प्शन वाली नहीं आएगी, जो सीधी निकल रही थी वो तो निकल गई, है ना, तो जो सेम डायरेक्शन में होती है वो कौन सी होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इधर कौन सी आएगी एमिशन, तो एमिशन वाली जो लाइट आएगी, अब एमिशन में क्या होगा, जो गायब हुई थी बेटा देखो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी मिली, वैसे सोच सकते हो, अब तो आप लोगों ने एक बार पढ़ रखा है, अगर वन से फोर पे चला गया इलेक्ट्रॉन, है ना,
ये वाली एनर्जी लेके, मान लो 12.7 लेके, है ना, तो जब डी एक्साइट होगा तो 4 से 3 पे भी आ सकता है, 4 से 3 में एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी मिल जाएंगी। तो ये दिखाई दिया हमको, है ना, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा ये दिखाई दिया। अब ये इसने रदरफोर्ड की मिट्टी पलीत कर दी, रदरफोर्ड की वॉट लगा दी, कैसे आप बहुत आराम से सोच सकते हो, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया था। हर एक टाइम पीरियड पॉसिबल है, हर एक आर के साथ साथ हर एक फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है तो ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। एमिशन स्पेक्ट्रा में लाइन स्पेक्ट्रा के बदले कंटिन्यूअस होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का जो एटम है वो स्टेबल भी नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी लिबरेट करेगा, लिबरेट करेगा, लिबरेट करेगा हल्के हल्के, और क्या होगा कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जो एटम होगा दैट विल बी अनस्टेबल, दैट विल बी अनस्टेबल, तो एटम विल बी अनस्टेबल, हमको ये भी साथ ही साथ ज्ञान मिला। ठीक है, तो अब लेकिन और जब वो अनस्टेबल होगा, जब वो हल्के हल्के डी हल्के हल्के एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के पास आएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होता जाएगा, आर के साथ साथ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। टाइम पीरियड वन अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, वन अपॉन टाइम पीरियड टी सेकेंड्स में एक चक्कर, एक सेकंड में 1/T चक्कर, फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है। तो एमिशन की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़नी चाहिए थी, इसका मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए रदरफोर्ड की झंड हो गई। और इसके बाद आते हैं दिग्गज साहब बोहर, जिसने बहुत किया बोहर। तो फाइनली आते हैं बोहर, रदरफोर्ड के बाद नंबर आता है किसका, बोहर का, है ना। और बोहर आपको करेंगे खूब बोर, क्योंकि इन्होंने किया कंप्लीट जुगाड़, है ना, ये बहुत ही दुष्ट आदमी थे, है ना। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने जो काम किया, है ना, रदरफोर्ड ने क्या किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, है ना, रदरफोर्ड ने आयनाइजेशन थर्मायनिक एमिशन एक्सप्लेन कर दी, गर्म करेंगे तो मतलब टकरा टकरा के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, है ना। तो इन्होंने कहा कि जो भी है सब कुछ, और मतलब खाली बहुत सारा स्पेस खाली है वो भी एक्सप्लेन कर दी, कैथोड रेस खाली सीधी निकल जाएंगी। तो अब ये समझ में आ रहा था कि एक्चुअली अब जो रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है, अब खाली और खाली एक्सप्लेन करना बाकी रह गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बोहर ने सबसे बढ़िया काम ये किया कि बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अच्छे से स्टडी करी। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डेवलप हुआ था और रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था तो उस टाइम केवल बामर सीरीज नजर आई थी, क्योंकि नजर आने वाली होती ही बामर सीरीज थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, विजिबल रेंज में केवल और केवल बामर आती है। तो जब बामर नजर आई तो अब मतलब ये समझ में आया कि कुछ ये रेडिएशंस मिल रहे हैं। तो बोहर ने क्या किया, इसकी बहुत अच्छे से स्टडी करी। बोहर के फ्रेंड थे बामर, है ना, जो कि एक्चुअली हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर थे लेकिन बहुत ही टैलेंटेड थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बामर की हेल्प ली और बोला बामर को कि बामर बोले कि यार मेरे पास ना आजकल कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इन्होंने बोहर ने क्या किया, इन्होंने कहा ये लो, ये कुछ एक लैम्डाज हैं, है ना, मतलब मेरे पास कुछ लैम्डा का सेट है, इसको किसी फॉर्मूले में अरेंज कर दो। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9 हो, इसको हम लिख सकते हैं 2n-1, है ना, इनको 1 पुट करो 1 आ जाएगा, 2 पुट करो 3 आ जाएगा। तो अब बेसिकली उन्होंने कहा कि इसको किसी फॉर्मूले में अरेंज कर दो। तो वो बामर थे जिन्होंने पहली बार अरेंज करके दिया 1/λ = r 1/2² - 1/n². ये जो काम करके दिया था ये बामर ने काम करके दिया था, ठीक है। और अब इससे ना मतलब बोहर ने क्या किया, ये सीख लिया ये कहां से आया। अब बोहर ने क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की और अच्छे से स्टडी करी और लाइमन पास्टन ब्रैकेट फंड ये सब का मतलब डेटा कलेक्ट कर लिया कि ये लैम्डाज निकल रहे हैं। और बोहर को आइडिया आ गया कि कैसे लैम्डाज को रिलेट कर रहे हैं। बोहर को आइडिया बामर से ले लिए कैसे लैम्डाज को रिलेट कर रहे हैं। तो अब बोहर को ये भी समझ में आ गया लैम्डाज कैसे रिलेट हो सकते हैं। और लैम्डा को रिलेट करने के बाद बोहर ने क्या किया, सिंपल सा काम किया कि बोहर ने अब सोचना चालू किया कि कैसे एक्सप्लेन करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बोहर ने मन में मतलब बात सोची कि यार कुछ लेवल्स होते होंगे, जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे आएगा तो एनर्जी एमिट होगी, तो एनर्जी एमिट होगी। तो अब क्या किया कि बोहर ने कहा कि मान लो कि लेवल्स हैं, है ना, मन में सोचा, अब जो लैम्डा निकल रहा है उससे एनर्जी डिफरेंस निकाला, तो कहा जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एनर्जी निकल जाएगी, है ना, जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एनर्जी निकल जाएगी। तो बोहर ने फाइनली एनर्जी डिफरेंस निकाल ली HC/λ से, और एनर्जी डिफरेंस आ गए तो एनर्जी भी आ गई अलग अलग की, उसको E2-E1 से कंपेयर करके मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी आ गई। फिर बोहर ने क्या किया, लगातार बैक गियर डाला, एनर्जी आ गई तो उसको पोटेंशियल काइनेटिक में ब्रेक किया और पीछे लेके गए। जिस इक्वेशन से वो पीछे नहीं जा पाए उसको उन्होंने बोल दिया पोस्टुलेट, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो क्या हो गए, बोहर के
पोस्टुलेट है ना, आपको बोहर ने फाइनली कहां तक पहुंच गए, चार पोस्टुलेट है ना, मतलब एनसीईआरटी इसको तीन कहती है, हम जिसको शुरू के दो बोलेंगे, ठीक है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मतलब आप दो पॉइंट को एक पॉइंट में लिख दो या एक पॉइंट को दो पॉइंट में लिख दो, उससे कोई खास फर्क की बात नहीं है। तो अब क्या हुआ कि बोहर ने बेसिकली मतलब क्या पॉइंट निकाले बैकगेयर डाल के, तो पहला पॉइंट बोहर का, बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अराउंड घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, किस में घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, है ना। और अब लोगों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में क्यों घूम रहा है, इलिप्टिकली तो इक्वली प्रोबेबल है, बल्कि इलिप्टिकल का स्पेशल केस है सर्कुलर, तो क्यों आपने सर्कुलर माना है। बोहर कहता बस मेरी चार बातें मान लो, जो तुम जानते हो वो भी समझा दूंगा और जो नहीं जानते हो वो भी समझा दूंगा। तो अब लोगों को मतलब मानना पड़ा, मजबूरी है ना। तो दूसरी बात बोहर ने बोला, ये ऐसे ऑर्बिट्स हैं इनका नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिसमें घूम के इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल की माला नहीं जपेगा, मैक्सवेल की माला नहीं जपेगा। अब ये बड़ी अटपटी बात आ गई कि भाई घूमेगा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तो ईएम वेव सेमिट करता है। लोगों ने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, कहता बस मेरी चार बातें मान लो, जो जानते हो वो भी समझा दूंगा और जो नहीं जानते हो वो भी समझा दूंगा। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है। तीसरी बात बोली कि इलेक्ट्रॉन ना कुछ एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते हैं, और जब वो जो एनर्जी लेवल्स की ना कुछ एनर्जीज हैं, स्पेसिफाइड एनर्जीज जो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब लेकिन वो कहते हैं कि जब आप उतनी ही एनर्जी दोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, और जो एनर्जी डिफरेंस के बराबर जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में लोअर लेवल में आएगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा। अब इसमें लोगों को कोई खास डाउट नहीं आया, है ना। हालांकि इस कॉन्सेप्ट से तीसरे वाले से वो स्पेक्ट्रम समझा रहे कि कुछ ही लाइंस निकलेंगी और कुछ ही लाइंस एब्जॉर्ब होंगी, हालांकि लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि वैसे भी लोगों ने सोच लिया चार बातें मान ले रही। तो अब बेसिकली इन्होंने बोला कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब एज वेल एज एमिटेड होगी, दैट इज क्वांटाइज्ड, मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुछ ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है और कुछ ही एनर्जी वो एमिट करेगा। दैट इज एटम विल एब्जॉर्ब एनर्जी और एमिट एनर्जी विच आर इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बोली, है ना। और चौथी बात उन्होंने बोली कि जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रह सकता है उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2π होगा, वो nh/। अब लोगों का सबर का बांध टूट गया, कहते हैं यार ये क्या तुमने तमाशा लगाया है, है ना, कि ये कैसे आ गया mvr=nh/2π। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब फाइनली डी ब्रॉय आए थे, डी ब्रोगली जिनको हम बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने फाइनली इसको एक्सप्लेन किया था, 2πr=nλ, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वेव है ना, और वो वेव कंप्लीट हो रही है, 2πr=nλ है, और लैम्डा को h/mv कहके mvr nh/2π आ गया था। लेकिन बोहर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बोहर ने कहा था बस मेरी चार बातें मान लो, जो जानते हो वो भी समझा दूंगा और जो नहीं जानते हो मैं तुमको वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो ये चार बातों से फिर आगे कहानी बढ़ाई, है ना। अब देखो बेटा, अब उन्होंने क्या क्या चीजें मतलब डेराइव करके दिखाई। देखो पहली बात उन्होंने क्या किया कि मास्टर इक्वेशंस क्या क्या हो चुकी हैं, एक ये है मास्टर इक्वेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, मान लो यहां पे बनाया था, यहां थोड़ी सी जगह में मान लो ये है न्यूक्लियस प्लस ZE चार्ज है ना, और एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिराइव किया, तो जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स है 1/4πε0ZE² ZE×E/r² है ना, जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स है 1/4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स है ना, वो क्या हो जाएगा 1/4πε0ZE×E/r² है ना। तो एक इक्वेशन ये लिख ली ZE²/r² है ना, इसको इन्होंने किया mv²/r, और दूसरी इक्वेशन mv²/r बोल दें, है ना। ये केमिस्ट्री में तो इस तरीके से कह के चल जाता है, हमको mω²r करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अगली वीडियो में समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। तो बेटा जो सेंटर की तरफ को फोर्स, अगर आपका मन है mv²/r ही लेना ले लीजिए, लेकिन अगला जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये आई मास्टर इक्वेशन, और दूसरी थी एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, एल होता है mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, mr² ओमेगा। तो बेटा दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, सॉल्व करके उन्होंने रेडियस निकाला, है ना, वेलोसिटी निकाली, एंगुलर वेलोसिटी निकाली, है ना। तो रेडियस जो निकल के आता है ना, शायद हमको याद होगा, तो रेडियस बेटा क्या निकल के आता है इन इक्वेशन से, रेडियस निकल के आता है n² h² epsilon naught upon pi mz²
है ना, ये मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप से डिराइव करेंगे, आप निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इक्वेशंस क्या क्या हैं, एम आर स्क्वायर ओमेगा एनएच बाई टू पाई, और दूसरी क्वेश्चन क्या है, सेंटर की तरफ को जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर ओवर आर, है ना। तो बेटा यहां से इन दोनों से इन्होंने डिराइव किया, आर आ जाता है एन स्क्वायर रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये पूरी चीज कॉन्स्टेंट है, देखो ध्यान से, ये खाली ये जेड वेरिएबल आएगा, तो इस पूरी की जो क्वांटिटी की वैल्यू निकल के आती है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आती है, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, तो एक इक्वेशन आई, ठीक है, रेडियस। अब सोचो अगर मैं इक्वेशन में अगर ये पुट करूं आर की वैल्यू, है ना, तो यहां से मेरे को रफ्तार जो आर ओमेगा है, मैं एम वी आर भी कह देता हूं, है ना, क्योंकि ओमेगा पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, अगर आ जाएगा तो आप वी बाय आर से वी इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा निकाल लेंगे। तो v जो है, देखो रेडियस में मास नीचे आएगा, तो इसमें क्या होगा, जब मास नीचे आएगा तो कट जाएगा, स्पीड में मास तो नहीं आएगा, स्पीड में मास क्या आएगा बेटा, नहीं आएगा, और ये क्या निकल के आया था, जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एन एच एप्सिलॉन नॉट, जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ एनथ ऑर्बिट आती है वो आता है जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एन एच एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। आप समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, सोचो जेड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, अगर हम किसी बच्चे को हाथ पकड़ के घुमा रहे हैं जोर से, तो बेटा कब मेरे को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, मेरी बात सुनेंगे बेटा, फोर्स तो तभी ज्यादा लगाना पड़ेगा जब तेज घुमाएंगे, तो फोर्स ज्यादा तेज घूम रहे, जेड ज्यादा फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा तेज घूम रहे, एन कम पास में फोर्स ज्यादा तेज घूमेगा, तो n कम तो रफ्तार ज्यादा, है ना। इसके बाद बेटा आता है टाइम पीरियड, तो बेटा कैसे निकाले, बेटा सिंपल दो इक्वेशन है, mv स्क्वायर ओवर r ये है, या m ओमेगा स्क्वायर r कह लीजिए, है ना, और mr स्क्वायर ओमेगा nh / 2 पाई, दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन की मदद से रेडियस और हमने रफ्तार निकाल ली, है ना। इसके बाद ये जब दो चीजें आ गई, इसके बाद बेटा क्या होगा, इसके बाद हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी होगी टोटल एनर्जी बेटा क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, प्लस ये होगी काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो के जेड ई इंटू माइनस ई बाय आर, है ना। और बेटा एम वी स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हैं, अपनी पहली मास्टर इक्वेशन से, सेंटर की तरफ का जो फोर्स होगा बेटा वो क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर ओवर आर, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर आर, हाफ एम वी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, तो ये हाफ और ये माइनस वन, तो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, यहां पे आप फिर से आर पुट कर सकते हैं, आपके पास एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, अगर आप यहां पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट आ जाएगी, रेडियस में मास नीचे आता है तो यहां पर मास ऊपर हो जाएगा, और याद रखने का तरीका क्या होगा, एनर्जी में मास हाफ एम वी स्क्वायर, एम ऊपर है तो मास ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है एनर्जी में मास ऊपर आएगा, हमको पूरे एक्सप्रेशन याद नहीं रखने हैं, पूरा एक्सप्रेशन जो इसका होता है वो क्या होता है, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना, देखा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद क्या रखना है, रेडियस में मास नीचे आएगा, रफ्तार में मास नहीं आएगा, एनर्जी में मास ऊपर आएगा, रेडियस में मास नीचे आएगा, रेडियस में मास नीचे आएगा, एनर्जी में मास ऊपर आएगा, रफ्तार में मास नहीं आएगा, रेडियस में मास नीचे आएगा, एनर्जी में मास ऊपर आएगा, स्पीड में मास नहीं आएगा, ठीक है, ये तीन बातें हैं बेटा, हमको बस खाली ये याद नहीं, मास किस में कहां आएगा, बाकी एक्सप्रेशन -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दिस इज एनर्जी, है ना, स्पीड क्या आ गई 2.18 इनटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकंड, और रेडियस क्या आ गया बेटा 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड, है ना। इसके बाद बेटा हमको अगली चीज आ जाती है टाइम पीरियड, तो बेटा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाय वी, है ना, आर बेटा किस पे डिपेंडेंट है, एन स्क्वायर पे, है ना, ये जेड बाय एन, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, है ना, और अगर जेड कंट्रीब्यूट करना है, जेड को देखना है,
तो आप देखना चाहते हैं n स्क्वायर बाय z और ये z n क्यूब बाय z स्क्वायर। हालांकि आपसे एक ही आइटम में पूछा जाएगा, टाइम पीरियड को 8 टाइम्स करना है तो n को क्या करना पड़ेगा, डबल। टाइम पीरियड को 27 टाइम्स करना है तो n को क्या करना पड़ेगा, थ्राइस करना पड़ेगा। समझ में आ गया। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब पे या फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा उन्होंने लैम्डा निकाले, है ना, कि क्या क्या लैम्डा निकलेगी जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नीचे जंप करेगा। ठीक है, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, हमने लैम्डा निकालनी है अलग अलग के लिए। तो आइए फटाफट से लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं। बेटा मान लो N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, तो बेटा N2 में एनर्जी क्या होगी, बेटा En2, और N1 में बेटा क्या एनर्जी होगी, En1। तो En2 माइनस En1 एनर्जी रिलीज होगी बेटा। ऊपर से अगर नीचे आएगा तो एनर्जी क्या रिलीज होगी, En2 माइनस En1, है ना। ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ये है माइनस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होती है -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो माइनस En1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा क्या बन जाएगा, 13.6 Z² 1 / n² -1 / n²². अब ये जो एनर्जी लिबरेटेड है, इसको अगर मैं HCY लैम्डा के बराबर कर दूं तो मेरे पास लैम्डा का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 / n² माइनस 1 / n², है ना। अब बेटा अगर n1 होता है तो हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, है ना। n12 होता है तो बामर, 3 पे पास्चन, 4 पे ब्रैकेट, 5 पे फंड, ये हमको सब याद है केमिस्ट्री से भी, है ना। 6 पे हम्फ्री। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे, जब 2 पे आता है तो बेटा उसको बोलते हैं बामर और वो विजिबल में होती है, 1 होती है अल्ट्रा वायलेट में। आपको ये याद होना चाहिए, GXUVIMR, GX अल्ट्रा वायलेट विजिबल इंफ्रारेड। तो ज्यादा एनर्जी अल्ट्रा वायलेट में होती है, विजिबल में कम होती है, इंफ्रारेड में और कम होती है। देखो बेटा जो एनर्जी आ रही है ना वो 1 / n² पर डिपेंडेंट है, जिसका ग्राफ ऐसा होता है 1 / x² का। पहले डिफरेंस ज्यादा आता है, फिर आगे वन मूव करने में डिफरेंस कम आता है। कहने का मतलब यह है E2 माइनस E1 में जो डिफरेंस होगा वो E3 माइनस E2 से बड़ा होगा, है ना, और E3 माइनस E2 E4 माइनस E3 से बड़ा होगा, एंड सो ऑन। तो 1 पे आने में बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी अल्ट्रावायलेट, 2 पे विजिबल, और बाकी सारी जो होती है पास्टन ब्रैकेट फंड वो क्या होती है, हम्फ्री। हालांकि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है बेटा लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, ये केवल डिफाइंड है इसके लिए, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के लिए। कभी कहेंगे तो फॉर दी कहते हैं करेस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ बामर इन हीलियम, तो बेटा हम समझ जाएंगे वो करेस्पॉन्डिंग के लिए बात कर रहे हैं कि बामर के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक तो लार्जेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है एनर्जी होती है HC बाय लैम्डा, ठीक है, एनर्जी HC बाय लैम्डा है। लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी। तो लाइमन की मिनिमम एनर्जी बेटा कब आएगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 में डिफरेंस ज्यादा है, 3 4, 2 3 में कम है, 3 4 में और कम है, ठीक है, यही दिखा रहे। तो बेटा यहां से यहां पे आएगा तो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी, और इन्फिनिटी से 1 पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी। तो जब इन्फिनिटी से 1 पे आएगा मैक्सिमम एनर्जी, उसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट, क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट, लाइमन सीरीज लिमिट, है ना। और ये होती है लार्जेस्ट वेवलेंथ, है ना। वैसी बामर में हो जाएगी जब 3 से 2 में आएगा, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ सीरीज लिमिट क्या हो जाएगी, जब इन्फिनिटी से 2 पे आएगा, जब इन्फिनिटी से 2 पे आएगा। आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हम ये सीख चुके थे। तो बेटा बोहर ने हमको फाइनली क्या दिखा दिया, एमिशन स्पेक्ट्रा में जो निकल रही थी लाइंस वो कैलकुलेट करवा दी, लोगों ने जय जयकार कर दी, कहते अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। अगर हम हाइड्रोजन जिसमें हम स्पेक्ट्रा देख रहे थे, अगर उसके नीचे हम आग लगा दें, है ना, कुछ लोगों के काम ही होते हैं आग लगाने के, है ना, तो अगर हम उसके नीचे आग लगा दें, अच्छा बेटा 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 / n² माइनस 1 / n² और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, आर की वैल्यू क्या होती है, 1.097 × 10⁻¹। तो इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, हाई टेम्परेचर पे अगर करें, तो बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में होंगे, पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो बेटा जो पहले 10.2 वाला गायब हुआ था, एक्चुअली पहले लेवल की जो एनर्जी आई है वो -13.6 आई है, अपॉन 2 स्क्वायर कर दो 13.6 Z² / n² तो -3.4, अगले वाले की -1.5, फिर -0.85, फिर -0.54, है ना, तो ये वैल्यूज आती है। तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा अगर पहले से ही यहां पे होता, 10.2 क्यों आई थी, क्योंकि 10.2 फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी डिफरेंस है, 10.2 फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी डिफरेंस है,
है ना। तो बेटा ये फर्स्ट और सेकंड का एनर्जी डिफरेंस है 10.2 है ना, और अगर मान लो सेकंड में होता तो बेटा 1.9 वाला भी गायब होता, तो 1.9 वाला भी गायब होता, 2.55 वाला भी गायब होता, ठीक है बेटा। तो बेटा फिर उन्होंने दिखाया हायर टेम्परेचर पर करेंगे तो यही गायब नहीं होंगे, छोटे वाले भी गायब होंगे, और इन्होंने करके दिखाया वो एक्चुअली गायब हुए दिख गए। तो बेटा यहाँ पर मतलब बोहर ने कमाल बात दिखा दी। बोहर कहता अब तो लोग मतलब हद से ज्यादा जय जयकार करने लगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा समझ में आ गया, लेकिन बोहर कहते अभी भी कहानी खत्म नहीं है मेरे दोस्त, इन्होंने ये दिखाया हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम का स्पेक्ट्रा भी अलग अलग आता है निकल के, मतलब आइसोटोप्स का स्पेक्ट्रा जो लोगों ने सोचा ही नहीं था वो इन्होंने बताया कि वो भी अलग अलग आता है। क्यों अलग अलग आता है, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस आता है, वो क्यों डिफरेंस आता है वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। ये देखते हैं बोहर ने कैसे बताया कि जो आइसोटोप्स का जो स्पेक्ट्रा होता है वो अलग अलग होता है, या न्यूक्लियस का मोशन कंसिडर किया, या हमको ये समझा दिया कि लैम्डा जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस पे भी डिपेंड करेंगे, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम का स्पेक्ट्रा क्यों डिफरेंट आएगा, इसको कैसे एक्सप्लेन किया, आइए देखते हैं। तो बेटा देखिए ये है न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का मोशन भी कंसिडर्ड है, बेटा दो चीजें हैं घूम रही हैं, सोच के देखो मान लो बीच में एक मासलेस रॉड है, वो एक पॉइंट के अबाउट वो रॉड रुकी हुई है, एक पॉइंट रुका हुआ रॉड पर ये पूरा का पूरा सिस्टम घूम रहा है उसके अबाउट, वो कौन सा पॉइंट होगा, वो सेंटर ऑफ मास होगा, क्यों, क्योंकि बेटा टोटल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, इंटरनल फोर्स है, ये इस पे इधर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस इधर लगा रहा है, टोटल फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, तो जो रुका हुआ है वो सेंटर ऑफ मास। तो न्यूक्लियस का रेडियस आर वन है, मैं जानता हूं कि वो जो आर वन की जो वैल्यू होती है ज्यादातर बेटा वो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही लाया कर जाता है, लेकिन उससे मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आइए मान लेते हैं आर वन पे है, और इससे मान लेते हैं आर टू पे, ठीक है बेटा। तो आर वन बेटा क्या निकल के आ जाएगा, अगर आप इसको ओरिजिन ले लें तो ये क्या हो जाएगा आर एन कॉमा जीरो, और ये हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, वही तो आर वन है ना। तो बेटा एम आर एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एन अपॉन एम प्लस एम एन, क्योंकि एम एन इंटू जीरो आर एन, और उससे कितनी दूर है उसको ओरिजिन ले लो तो ये आर एन कॉमा जीरो हो जाएगा, या आर एन माइनस आर वन करके आप आर टू निकाल लो। तो एम आर एन अपॉन एम आर एन अपॉन एम प्लस एम एन, न्यूक्लियस के मास को हमने कैपिटल एम एन कह दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास R1 R2। अब बेटा अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, क्योंकि I ओमेगा से NH by 2 पाई करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या आएगा, इसके अबाउट घूम रहे तो एम एन आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एम एन आर वन स्क्वायर बेटा क्या है, एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम एन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर एम एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम एन का स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप आई निकाल सकते हैं बड़े आराम से, एम 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 अपॉन एम प्लस एम स्क्वायर, आर एन स्क्वायर कॉमन आएगा, एम प्लस एम ऊपर बच जाएगा, तो ये फाइनली बन के आ जाएगा एम एम एन अपॉन एम प्लस एम एन। कोशिश करें, बहुत थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है ना, बहुत आराम से आ जाएगा ये, जिसको हम बोल देते हैं m1 m2 upon m1 plus m2 क्या बोलते हैं, म्यू म्यू आर एन स्क्वायर। अच्छा, जहां पे एम आर स्क्वायर ओमेगा था वहां पे बस म्यू आर स्क्वायर ओमेगा हो गया, वेयर म्यू इज m1 m2 upon m1 plus m2 m mn upon m plus mn। अच्छा, तो पहली इक्वेशन जो पहले मास्टर इक्वेशन थी एम आर स्क्वायर ओमेगा एन एच बाई टू पाई, अब उसके बदले क्या हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा एन एच बाई टू पाई। देखो बेटा एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, सेंटर की तरफ को जो फोर्स होता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अब बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर नहीं, एम ओमेगा स्क्वायर आर टू, क्योंकि उसका रेडियस आर टू है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर टू, और आर टू बेटा क्या है, आर टू है एम एन आर एन अपॉन एम प्लस एम एन। अच्छा, यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया, म्यू ओमेगा स्क्वायर आर, एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये क्या हो गया, म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं कह सकता हूं जहां पर पहले m था वहां पर बस म्यू आ गया है ना, और हमने क्या याद किया था, रेडियस में मास नीचे आएगा, एनर्जी में मास ऊपर आएगा, रफ्तार में मास नहीं आएगा। रेडियस बेटा हमने याद भी करने के लिए तरीका बताया था, एक बार की बात है हमने जीजीपी को बुलाया और हमने बोला कि चक्कर मार के आओ, और आजाद को बुलाया चक्कर मार के आओ, आजाद तो पूरी वैली का बड़ा चक्कर मार के आया है ना, और जीजीपी ने खाली सुना चक्कर है ना,
तो उसने अपने अकॉर्डिंग छोटा सा बाहर जाके क्लास के बाहर चक्कर मारा, है ना। छोटा चक्कर मारता है इसीलिए तो इसका मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा तो रेडियस कम, ऐसे याद रख लेंगे। कभी कभी तो हमको कह देगा कि इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया, रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, आधा हो जाएगा। पहले वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, बस आधा कर देंगे। एनर्जी डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, जो एनर्जी डिफरेंस आपने निकाला 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, जब 2 से 1 पे आया, मान लो जब n2 से n1 पे आया, तो पहले वाला निकाले इनटू 2 कर दें क्योंकि एनर्जी में मास ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कह देंगे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम में क्या फर्क पड़ेगा, बेटा म्यू जो है वो mmn अपॉन m प्लस mn, mn पे डिपेंडेंट आ रहा है बेटा, है ना। मतलब बस मैं कह रहा हूँ कि m के बदले म्यू हो गया तो एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी म्यू आ जाएगा, एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी म्यू आ जाएगा। तो बेटा आप मेरी बात सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ m के बदले बेटा क्या आ जाएगा, म्यू। लेकिन बेटा हाइड्रोजन के लिए भी आ जाएगा, ड्यूटेरियम के लिए भी, ट्रिटियम के लिए भी। अब जब मैं न्यूक्लियस का मोशन कंसिडर कर रहा हूँ तो बेटा अगर सब में अगर न्यूक्लियस का मास आ गया तो जिसमें न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा उसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। कैसे बेटा, अगर म्यू है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां लिख देता हूं, तो 1 बाय म्यू हो जाएगा 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2, 1 बाय m प्लस 1 बाय mn। अब सोचो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही है, न्यूक्लियस का मास बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी तो म्यू भी बढ़ेगा, तो mn बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। ये समझ में आ गया बेटा, mn बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा ना। तो ट्रिटियम के लिए बेटा सबसे ज्यादा होगा म्यू, है ना। तो एनर्जी में म्यू जो आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा किसके लिए बेटा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा ट्रिटियम के लिए, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम किसके लिए आएंगे, ट्रिटियम के लिए, ड्यूटेरियम के लिए ज्यादा और हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि एनर्जी में मास ऊपर आता है। मास बेटा, अब जो म्यू, मास के बदले म्यू आ गया, तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। वैसे आपके ना खाली कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें केवल लैंग्वेज वाले आते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल इस पे बन नहीं सकता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो कि हाथ से नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेटर से आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे, हाथ से आप डिफरेंट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो बस बेटा मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर 80 मतलब ऐसी कैलकुलेशन बनती है 1837 से डिवाइड किया, है ना, और मतलब 1837 से कौन ही डिवाइड कर पाएगा एग्जैक्ट रिलेशन निकालने के लिए, है ना। तो बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जो म्यू है बेटा, म्यू ज्यादा किसके लिए होगा, ट्रिटियम के लिए सबसे ज्यादा। एनर्जी डिफरेंस जो है, एनर्जी में मास ऊपर आता है, म्यू ऊपर आएगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा ट्रिटियम के लिए, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम आएगी, है ना, और ड्यूटेरियम में एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा आएगी, हाइड्रोजन में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगी, है ना। और बेटा रेडियस में कंपेयर करेंगे तो रेडियस में मास नीचे आएगा, म्यू आ जाएगा। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अब जो रेडियस में आरएन में जो मास आना है वो नीचे आना है ना, और अगर वो मास नीचे आएगा तो बस बेटा मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, वो मास आ रहा है नीचे, आरएन में मास कहाँ आ रहा है, नीचे। तो अगर बेटा मास अगर नीचे आएगा तो वहां पर मास के बदले क्या हो गया, म्यू। तो सबसे कम रेडियस बेटा किसका आएगा, सबसे ज्यादा म्यू जिसका होगा, ट्रिटियम का रेडियस सबसे कम आएगा, ड्यूटेरियम का ज्यादा आएगा और हाइड्रोजन का रेडियस सबसे ज्यादा आएगा। तो बेटा ये सब चीजें थी न्यूक्लियस का मोशन कंसिडर करते हुए क्या होगा। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो मास्टर इक्वेशन थी जब मैंने उनको एनालाइज किया, आई ओमेगा इक्वल टू एनएच बाई टू पाई किया, तो एम के बदले म्यू हो गया, जो m ओमेगा स्क्वायर r था वहां पे म्यू ओमेगा स्क्वायर r बन गया। इसका मतलब ये है कि बस मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि जो m था m के बदले क्या आ गया, म्यू आ गया, ठीक है, आ गया समझ में, थैंक यू, है ना। अगली वीडियो मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ।